गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं हम कैसे न्यूमेरिकल लिस्ट क्रिएट करते हैं और कितना जो है नोड हमने क्रिएट किया लिंक्ड लिस्ट में उसको काउंट करके डिस्प्ले कराए, क्या वैल्यू आया, क्या हमने जो है वैल्यू उसमें इंसर्ट किया उसको डिस्प्ले करें, उसके साथ साथ कितना नोड हमने क्रिएट किया उसको भी डिस्प्ले करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा टारगेट क्या है। पहले हमारा टारगेट है एक नोड क्रिएट करना या डेटा पार्ट है और दूसरा है पॉइंटर पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो हमने एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया, इसका इंटरफेस स्टूडेंट 1000। ओके स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट नोड जैसे क्रिएट होगा आते समय नाम असाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हेडर फाइल बनाना है जिस जो अंदर स्टूडेंट या स्टेडी इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाना है नोड जिसमें दो डेटा मेंबर होंगे आईएमपी डेटा, दूसरा है उसी टाइप का पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड सीटीआर, उसके बाद स्टूडेंट वायर मेन मेथड में आते हैं और यहां पर स्टूडेंट टाइप डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड को एक नया नाम देते हैं जिनका नाम है स्ट्रक्चर नोड, और नोड टाइप का स्टूडेंट हम पॉइंटर बना रहे हैं जिनका नाम होते हैं स्टार सर हेड हेड बोलते हैं, नाइट वाले बोलते हैं लॉस या टेल भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हेड हो गया तो टेल बोलते ज्यादा सही है टेल। ओके स्टूडेंट्स, एक पॉइंटर बनाते हैं चॉइस के साथ, एक इंटीजर वेरिएबल का एक वेरिएबल बनाते हैं चॉइस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद डू लूप अप्लाई करते हैं। ओके, डू लूप में स्टूडेंट टेम्प नाम का पॉइंटर में जो है मेमोरी क्रिएट करते हैं मेरा फंक्शन से और इसको टाइप पार्ट भी कर सकते हैं नोड टाइप के पॉइंट में मैं रहा साइडा साइडा नोड। ओके स्टूडेंट्स, तो कीप हब हेड इक्वल टू नल नल पाली का हेड निकल रहा होना जितना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हेड निकल रहा होगा तो टेम्प इसको रिफर कर रहा है तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ डेटा लिखे। ओके, इंट डेटा स्कैनर एड्रेस आ सकता है
बाद हेड एंड टेल में हमने डाल दिया इसमें टेल का पॉइंटर, टेल का जो निकलता था एड्रेस, ओके। इसके बाद टेल टेल एरो दिया, मैं नल डाल दिया इसमें, नल को बैकसाइड यूज भी करते हैं। इसके बाद एक स्टेटमेंट को क्लोज किया, ये तो हो गया पहला क्रिएट होगा हुआ। उसके बाद आते हैं हमें सेकंड टाइम, तो इसको मिटा रहे हैं। जब सेकेंड टाइम आएगा स्टूडेंट्स तो हम क्या कर रहे हैं, टेन असाइनमेंट बाई नोट मैलाब हमसे कर दिया, मैलाब टाइट ऑफ नोट, ओके स्टूडेंट्स। तो टेम क्रिएट हो गया, तो इंटर डेटा, इंटर इंट डेटा इंटीजर डेटा क्रिएट इंटर करते हैं, मैसेज दिया स्कैनर नाम से बनाया हुआ है, और यहाँ पर टेम एरो डेटा दिया स्टूडेंट्स। इसके बाद टेल को लास्ट में कर दिया, देखिए नोट तो बना, लिंक कैसे होगा, तो हमने स्टूडेंट लिखा टेल एरो किया, अगर इसमें हम जो टेल को लिंक देते हैं तब दोनों नोट क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आगे कैसे जाएगी, टेल एरो पीटीआर से मूव करा देंगे, तो टेल अब जो है इसको निकल करेगा स्टूडेंट, तो इसको यहां करते हैं टेल इंडिया एड्रेस है 2000 है, ओके। अब देखिए टेल वहां चला गया स्टूडेंट, तो टेल आयरन की तैयार करेंगे तो क्या होगा,
नल हो जाए नहीं इक्वल टू नल हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलते क्या करेंगे, एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे और फिर करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इनको हटाते हैं स्टूडेंट्स। जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैसेज दिया, डू यू कंटिन्यू नेक्स्ट नोड, यस के लिए आपको वन टाइप करना है, नो के लिए स्टूडेंट जीरो टाइप करना है। ओके तो यहां पर प्रॉम्प्ट कर दिया, रीड कर दिया, इंटीजर डेटा में ट्रांस कर दिया स्टूडेंट ट्वायस। इसके बाद व्हाइल लूप में इसको लगा दूं, ट्वायस इक्वल टू वन रहेगा तो रिपीट करेगा, नहीं रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। अब जैसे इसमें बाहर निकलता हूं तो हेड टेंप नाम का जो पॉइंटर है उसमें स्टार्टिंग नोड का एड्रेस रखता हूं, इसके लिए राइट में लिखा है। इसके बाद व्हाइल लूप लगाया, टेंप एरो किया, या इसको ऐसे दे देते हैं तो कॉल नहीं। टेम नॉट इक्वल टू नल, फिर गया परसेंट इसमें स्टूडेंट आपको ये टाउन करना है, टाउन की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप क्या करना है प्लस प्लस कर देना है। ओके स्टूडेंट काम जो वेरिएबल इसकी स्टार्टिंग वैल्यू आप जीरो ले लेना, हम यहाँ पर काम प्लस प्लस कर दिए हैं तो जब जितनी बारी है आपका लूप चलेगा। ओके स्टूडेंट उतना जो नोट हमारा क्या होगा जनरेट होगा, तो वैल्यू को भी डाल लिया टेम एरो डेटा। ओके स्टूडेंट लूप को क्लोज कर दिया, सॉरी यहां पर टेम एरो पीपीआर। ओके स्टूडेंट तो हम नोड बाय नोड हम पहले टेम को यहां लाएंगे, ये डेटा फिल करेगा, उसके बाद इसको यहां ले जाएंगे तो ये डेटा फिल करेगा, सेकंड टाइम माइनस आ गया 20 और इसी तरह से अगला नोड होगा तो आगे बढ़ाकर फिर हम फिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स इसके बाद ग्रुप के बाहर जाएंगे तो नंबर ऑफ नोड कितना है, नंबर ऑफ नोट्स परसेंट बी काउंट, काउंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स। ओके तो इस स्टूडेंट प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका है तो उसको आप कर लेना काउंट, एक वेरिएबल आप ले लेना जितनी
लोन हम आगे बढ़ते जाएंगे, काम की वैल्यू भी आगे बढ़ती जाएगी, और किस तरह से स्टूडेंट्स हम एक टेक्निकलाइज करके हम जो है पॉइंट को क्रिएट किया, सॉरी नंबर ऑफ नोट्स क्रिएट किया और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराया, उसके साथ साथ कितना नोट हमने जो है क्रिएट किया, नंबर ऑफ नोट्स के हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा। ओके स्टूडेंट, मेन को हमने क्लोज किया। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।